अगर आपको ऐसा लगता है कि हर्बलाइफ ने इंडिया में लॉन्च होने से पहले सिर्फ यूएस में अपनी बेइज्जती करवाई थी, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि आप कितनी बड़ी गलतफहमी में हैं। एक्चुअली एक पब्लिश्ड ग्लोबल केस स्टडी की वजह से मैं ये सिर्फ बता नहीं सकता बल्कि 100% प्रूव कर सकता हूँ कि हर्बलाइफ सप्लीमेंट को वर्ल्ड वाइड मेडिकल कम्युनिटी ने लिवर के लिए सिग्निफिकेंटली इंजूरियस एक्सेप्ट किया है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द रिपोर्ट। चलो, गैरी सी चैन एंड विवेक एस रामानाथन के अंडर में एक वर्ल्ड वाइड रिसर्च टीम ने एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रिसर्च स्टडी कंडक्ट की, जिसके रिजल्ट को उन्होंने 2007 में वर्ल्ड जर्नल ऑफ हेपाटोलॉजी में भी पब्लिश किए गए। इस केस में ये स्टडी 3 मेजर पेशेंट्स पे कंडक्ट की गई थी। इनमें से एक पेशेंट हाइड्रोक्सिकट नाम के वेट लॉस हर्बल सप्लीमेंट महीनों से कंज्यूम कर रहे थे एंड बाकी दो पेशेंट हर्बलाइफ के सप्लीमेंट ले रहे थे। जब तीनों पेशेंट्स की लिवर बायोप्सी की गई तो ये दिखा कि तीनों में ही लिवर इंजरी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। फर्स्ट पेशेंट एक 31 साल की वुमेन थी जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था क्योंकि उन्हें 2 वीक से जॉन्डिस एंड नोजिया का इशू हो रहा था। हालांकि उनकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री इस तरह के सिम्टम की तरफ पॉइंट नहीं कर रही थी, लेकिन पूरी तरह से उनके मेडिकल चेकअप्स करने के बाद पेशेंट ने यह बताया कि उनको कोई भी टैटू नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों को अनहाइजेनिक जगहों से टैटू करवाने पे टैटू के निडल से भी हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट ने यह बताया कि उन्हें कोई रेगुलर दवाई भी प्रिस्क्राइब नहीं है या उनको रेगुलर अल्कोहल यूज की भी आदत नहीं है, पर पिछले 1 साल से वो हाइड्रोक्सिकट नाम के एक वेट लॉस सप्लीमेंट के 2 टैबलेट्स रोज ले रही थी। सेकेंड पेशेंट एक 37 ईयर ओल्ड वुमेन थी जिनको 1 महीने से काफी तेज एब्डोमिनल पेन एंड जॉन्डिस के सिम्टम्स थे। उनको कोई भी सर्जरीज या जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ लिवर डिसीज नहीं थे, लेकिन पिछले 3 महीने से वो वेट लॉस के चक्कर में हर्बलाइफ के सप्लीमेंट ले रही थी। उनका डेली का रूटीन था हर्बलाइफ के फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, मल्टीविटामिन कॉम्प्लेक्स, सेल एक्टिवेटर, सेल यू लॉस, हर्बलाइफ कॉन्सेंट्रेट ओरिजिनल एंड टोटल कंट्रोल फॉर्मूला, और ये सारे प्रोडक्ट्स वो हर दिन लेती जा रही थी कंटिन्यूअसली फॉर 3 मंथ्स। थर्ड पेशेंट वॉज 53 ईयर ओल्ड वुमेन जो 3 हफ्तों से जॉन्डिस से सफर कर रही थी। उनको भी कोई ड्रग यूज, अल्कोहल यूज या जेनेटिक लिवर डिसीज नहीं था, बट उनका लिवर इन्फ्लेमेशन इतना सीरियस था एंड इनफैक्ट ऊपर से एब्डोमेन को दबाने से भी 2 सेंटीमीटर तक लिवर के एरिया में उन्हें दर्द हो रहा था। एंड इस पेशेंट के केस में साइनुसोइडल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम की वजह से उन्हें लिवर फेल होते हुए दिखाई दिया। हैरानी की बात यह है कि ये एक ऐसी लिवर इंजरी है जो आमतौर पर ड्रग्स या टॉक्सिन्स के एक्सपोज में बॉडी में पाया जाता है। इस वुमेन के केस में भी जो एकलौता कॉज डॉक्टर को मिला वो ये था कि पेशेंट पिछले 4 महीने से हर्बलाइफ की स्लिमिंग टीज, पिल्स एंड सप्लीमेंट की डोजेस रेगुलर लेती जा रही थी। इस पेपर ने भी दोनों तरह के हर्बल सप्लीमेंट के एग्जैक्ट नेम के साथ ये पेपर पब्लिश किया कि हर्बल वेट लॉस सप्लीमेंट्स, पर्टिकुलरली हर्बलाइफ एंड हाइड्रोक्सिकट को बिना सोचे समझे लेने से मेजर असर हो सकता है। कभी कभी ये आपके लिए लिटरली जहर की तरह इफेक्ट कर सकता है एंड इस बार भी हर्बलाइफ ने अपने रेपुटेशन के लिए कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया। अब सोचने वाली बात ये है कि इतनी बड़ी जो कंपनी जो लाखों के तादाद में अपने अंडर में एजेंट रिक्रूट करती है जो कि इनके सप्लीमेंट बेच सके, जिस कंपनी के इतने सारे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उस कंपनी के अगेंस्ट ऐसे डेडली पेपर्स जाने माने मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुए हैं एंड उन्होंने अपनी इतनी बड़ी मार्केटिंग कंपनी एंड बड़ी लीगल टीम को एक बार भी उन पेपर को डिफेंड करने के लिए नहीं भेजा। क्या ये बात आपको लॉजिकल लगती है? मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ने अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन बस इन रिजल्ट को पॉपुलर होने से रोकने में लगा दिया। एंड फीड द इडियट के एक्सपोज सीरीज में मैं बस यही कोशिश करूंगा कि इस तरह के एक्चुअल प्रूवन इन्फॉर्मेशन को मैं थोड़ा कॉमन तरीके से लोगों के सामने ऐसे लाऊं ताकि मैक्सिमम लोगों को ये फैक्ट्स पता चले। आप भी प्लीज इन फैक्ट्स को स्प्रेड करने में मेरी मदद करिए ताकि इतने ज्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन किसी को इंडिया में फेस ना करने पड़े। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड अगर आपको एक्सपोज सीरीज में ऐसे ही किसी मेजर प्रोडक्ट या ब्रांड पर एक्सपोज रिव्यू देखना है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल बी बैक विथ मोर कॉन्टेंट वेरी सून। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।